हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज अभी हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को ही आगे बढ़ाते हुए कुछ और प्रॉपर्टीज डिस्कस करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में अभी हम लोगों ने जो पढ़ लिया है, वी हैव स्टडीड अबाउट साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, फिर उसके बाद यू हैव स्टडीड अबाउट टेन इनवर्स एक्स, फिर कोसेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स एक्स, इनके बारे में पढ़ लिया। इनकी अभी हम लोगों ने डोमेन भी पढ़ लिए और रेंज या प्रिंसिपल वैल्यूज भी पढ़ ली, है ना। तो इसका डोमेन क्या है, माइनस वन से प्लस वन, और जो प्रिंसिपल वैल्यू है माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। ठीक, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस वन टू वन, और इसकी वैल्यू जीरो से पाई तक लेते हैं। फिर टेन इनवर्स एक्स में हम लोग कुछ भी रियल वैल्यूज रख सकते हैं, और आंसर जो अभी हम लोगों को चाहिए माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू। फिर उसके बाद नेक्स्ट है कोसेक इनवर्स एक्स। कोसेक इनवर्स एक्स में अभी हम लोगों ने ये बोला कि आप ये वाली वैल्यूज, कोसेक किस चीज का रेसिप्रोकल है, कोसेक इनवर्स एक्स या कोसेक एक्स, सॉरी कोसेक एक्स जो है दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ साइन एक्स। अब हम लोगों ने इसमें इसको ऐसा याद रखना कि आपको साइन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स का जो डोमेन है वो मिलाकर पूरी नंबर लाइन आ जाएगी। इसको याद रखने का एक सिंपल सी ट्रिक ये है कि साइन इनवर्स एक्स और कोसेक इनवर्स एक्स दोनों मिलाकर पूरी नंबर लाइन आ जाएगी। अब नंबर लाइन अगर आप देखें तो नंबर लाइन में अब माइनस वन से वन के बीच के सारे नंबर हो चुके हैं, तो बचे क्या है, वन से बड़े नंबर्स। वन से बड़े नंबर्स ऐसे लिखेंगे, और माइनस वन से छोटे नंबर्स, तो माइनस वन से छोटे नंबर्स ये वाले आ जाएंगे, माइनस इंफिनिटी टू माइनस वन, ऐसा कुछ आ जाएगा। और इसकी जो प्रिंसिपल वैल्यूज हैं कहां से कहां तक आ जाएंगी, माइनस पाई बाई टू टू प्लस पाई बाई टू तो लेना है, माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू, जीरो वैल्यू भर नहीं लगेगी, क्यों जीरो पर वो, अगर आप जीरो नीचे वाला नंबर अगर जीरो हो जाएगा तो इनफाइनाइट हो जाएगा। फिर ऐसे ही सेक इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स में ये दोनों मिलाकर रियल नंबर्स आ जाएंगे, तो मतलब ये चीज बिल्कुल एज इट इज कॉपी कर लेंगे। और सेक इनवर्स एक्स में ये जीरो से पाई और sec x की वैल्यू जो है वो कहां पर जीरो हो जाती है, वो वाली वैल्यू आप अलग कर लेना, माइनस पाई बाई टू। अब इसमें ये चीज समझने की कोशिश करना, ये याद रखने के लिए क्या कि ये वाले साइन के और cosec के नियरली सेम है, नियरली सेम क्योंकि एक वैल्यू भर अलग है, और दूसरा रिलेशन अभी हमने क्या याद करा दिया कि इसको और इसको अगर आप मिला लें तो पूरी नंबर लाइन आ जाएगी। ऐसे ही कॉस और सेक का अगर आप डोमेन मिला लें तो लगभग पूरी नंबर लाइन आ जाएगी, और रेंज या प्रिंसिपल वैल्यूज जो है वो भी एकदम सिमिलर है, सिर्फ एक वैल्यू जो नहीं लेनी है वो भर अभी हम लोगों ने लिख ली है। कौन सी वाली वैल्यू नहीं लेनी, पाई बाई टू नहीं लेना, क्यों, क्योंकि कॉस ऑफ पाई बाई टू, कॉस ऑफ पाई बाई टू जो है जीरो होता है, और सेक जो है वन अपॉन कॉस होता है। ठीक, अब उसके बाद बचता है कॉट, तो कॉट में अभी हम लोग क्या बोलेंगे, डोमेन विल बी ऑल रियल नंबर्स, और कॉट का जो जीरो से पाई, तो इसमें जीरो भी इंक्लूड नहीं होगा और पाई भी इंक्लूड नहीं होगा, बस ये याद रखना। तो ये अभी हम लोगों ने इसका जितना भी डिस्कशन था पूरा समअप कर लिया। अब उसके बाद
अभी हम लोगों ने कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस लिया था, मतलब दो फंक्शंस अगर आप कंबाइन करेंगे तो क्या होगा। अब कॉम्बिनेशन में कॉस इनवर्स कॉस थीटा, कॉस इनवर्स कॉस थीटा, इसमें यह चीज याद रखना कि जो इनपुट अभी आप ले रहे हैं एक्स लिख ले रहे हैं, एक्स ज्यादा अच्छा लगेगा तुम लोगों को। इसमें अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, जो इनपुट आप दे रहे हो सबसे पहला इनपुट आप अंदर वाले फंक्शन को देते हो, तो आपने एक सबसे पहले कॉस को दिया, तो कॉस में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो अभी हम लोग ये कहते हैं कि अगर कोई कॉम्पोजिट फंक्शन है तो सबसे पहले थोड़ा सा रुककर सोचकर देखना कि भाई आप एक्स जो दे रहे हैं वो किसको दे रहे हैं। तो एक सबसे पहले आपने कॉस एक्स को दिया, कॉस को दिया, अब कॉस में इनपुट में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसके हिसाब से अगर अभी हम लोग देखें तो एक्स कैन टेक एनी रियल वैल्यू, लेकिन इसका जो आउटपुट मिलने वाला है, अच्छे सुनना, इसका जो आउटपुट मिलने वाला है वो अल्टीमेटली जा किसको रहा है, कॉस इनवर्स को। आप पहले एक्स को वैल्यू देंगे तो कॉस एक्स कुछ आंसर बनाकर दे देगा, अब ये कॉस एक्स जो वैल्यू आएगी वो किसको मिलने वाली, कॉस इनवर्स को मिलने वाली है ना। तो अब हम लोग ये कहते हैं कि कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स अगर आप लें तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स जो है ये एक्स के बराबर तब होगा जब आप ये एक्स इन वैल्यूज में से ले लें। कैसा, अभी हम आपको बता दे रहे हैं, मतलब जीरो और पाई के बीच में। यहां पर कंफ्यूजन बिल्कुल मत रखना, कॉस इनवर्स में जो इनपुट आप देते हो ये वैल्यू देते हो, ठीक है, और कॉस में जो इनपुट देते हो वो एंगल देते हो। अगर किसी को डाउट है तो आप ऐसा लिख लेना अपनी कॉपी में, है ना। तो अभी आपको इसमें ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होना चाहिए कि भैया यहां पर वैल्यू रखनी है माइनस वन से प्लस वन, ये वाली वैल्यू रखनी कि माइनस 90 से प्लस 90, कौन सी वाली वैल्यू रखनी है। तो इसमें अभी हम लोगों ने बोला कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स में ये एक्स जो है आप कॉस थीटा को दे रहे हो, है ना, और कॉस जो है एंगल लेता, तो यहां पर अभी हम लोग एंगल, ये एंगल रखेंगे और ये एंगल रखने पर ये वैल्यू आएगी और ये वैल्यू फिर किसको मिलेगी, कॉस इनवर्स को मिलेगी, है ना। तो ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस एक्स जो है एक्स के बराबर तभी आएगा जब आप एंगल्स इनमें से कोई ले लेंगे। अगर आपने एंगल जो है एक्स माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में अगर ले लिया तो डायरेक्टली ये इसके बराबर आ जाएगा, और अगर ये वैल्यू इस माइनस 90 से प्लस 90 के बाहर अगर कोई लाई कर रही है तो क्या होगा, ये अभी हम आपको बता दे रहे हैं। देखें जरा अच्छे से, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई थ्री, तो अब इसमें क्या होगा, ये कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाई थ्री कितना होता है, कॉस 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री यानी 1/2, कोई समस्या नहीं है। कॉस इनवर्स ऑफ 1/2, तो कॉस को जो वैल्यू दे रहे हैं ये तो हमेशा ऐसी ही आएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स ऑफ 1/2 मतलब एक एंगल आएगा, और एंगल कौन सा आ जाएगा, 60 डिग्री यानी पाई बाई थ्री। तो अभी हम लोगों को ऐसा लग रहा है, हम लोगों को ऐसा लग रहा है कि कॉस इनवर्स और कॉस जो है एक दूसरे को कैंसिल करते हैं। तो अभी हमने कहा बिल्कुल सही है, कैंसिल तब करेंगे जब आप ये एंगल दे रहे हो वो एंगल इस वाली रेंज में है, जो अभी हमने एंगल्स डिफाइन कर लिए प्रिंसिपल वैल्यूज में, उनमें अगर है तो ये उसके बराबर आ जाएगा, और अगर इनमें नहीं है तो क्या होगा, ये अभी हम आपको एक दो एग्जाम्पल से क्लियर कर दे रहे हैं। एक आध एग्जाम्पल और इसका ले ले रहे हैं, देखो अब इसको देखकर आप किसी भी चीज में अंदाजा मत लगाना कि भैया ये कॉस इनवर्स कॉस हमेशा कैंसिल ही होगा। तो कॉस इनवर्स कॉस, साइन इनवर्स साइन कैंसिल कब होगा, जब ये एंगल्स इस वाली रेंज में लाई कर रहे हैं। ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है इसका, देखो साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, ये 2π/3 यानी 120 डिग्रीज, पाई को अगर आप 180 रखें तो ये कितना आ जाएगा बेटा, अच्छे देखना, 2 into 180 डिवाइडेड बाय 3 यानी ये 60 यानी ये 120 डिग्रीज आएगा, है ना। तो साइन 120,
साइन 120 मतलब ये माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में लाई नहीं कर रहा है ना, तो अब क्या होगा हम लोगों को नहीं मालूम, जाने दो। इसको अपन ने साइन 120 और साइन 120 की वैल्यू कितनी होती है ये आपको आना चाहिए। जैसे मान लीजिए अगर किसी को नहीं आता है तो अभी हम लोग ये बोलते हैं कि आप एक्स एक्सिस का यूज करें, ये जीरो है ये 180 है, ट्रांसफॉर्मेशन जो अभी हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे मूव करना है, सेकेंड में कैसे मूव करना है, कैसे मान लीजिए 120 डिग्रीज निकालना है तो 120 डिग्रीज कहां पर है सॉरी सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो इसको अभी हम लोग कैसे लिखेंगे 180 माइनस 60, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन जो है वो पॉजिटिव है, तो अब हम लोग इसको कैसा लिख लेंगे साइन 60 डिग्रीज। तो इसकी वैल्यू अगर आप देखें तो ये साइन 2π/3 की वैल्यू साइन 180 माइनस 60 यानी साइन इनवर्स साइन 60 के बराबर आ गया। अब ये एंगल को देखो, ये एंगल जो है हमें जो हमारी वैल्यूज अभी हमें चाहिए हैं उसमें लाई कर रहा है, तो आप डायरेक्टली हटा सकते हो, अब हटा सकते हो। जब ये इनपुट यहां का इनपुट साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स, ये वाला जो इनपुट है वो अगर इसमें है इन वैल्यूज में से किसी में अगर लाई कर रहा है तो आप ये साइन इनवर्स और साइन को कैंसिल कर सकते हैं, अलग कर सकते हैं, है ना। और अगर नहीं है तो क्या करना है इसके बहुत सारे अभी हम एग्जांपल्स लेकर आपको क्लियर कर देंगे। मान लीजिए आपको डायरेक्टली अलग नहीं भी करना है तो भाई सॉल्व कर लो, एक स्टेप और लगेगी। साइन इनवर्स साइन 60 की वैल्यू कितनी है, रूट थ्री बाय टू यानी हम लोग इसमें क्या बोलेंगे साइन इनवर्स ऑफ √3/2 यानी एंगल आएगा, एंगल कितना आ जाएगा 60 डिग्रीज यानी π/3 इसका आंसर। तो अब इसी को इन्होंने क्या किया है प्रॉपर्टी बनाकर लिख दिया है। प्रॉपर्टी बनाकर कैसा लिखा ये अभी हम आगे बता दे रहे हैं, देखना ध्यान से। साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स एक्स के बराबर होगा, लेकिन एक्स के बराबर कब होगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन कैंसिल कब होंगे, जब एक्स की वैल्यू माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में लाई करेगी, एक प्रॉपर्टी ये होगी। अब उसके बाद अगर अभी हम लोग वैल्यूज साइन इनवर्स की इसके बाहर ले लें, इन वैल्यूज के सपोज फॉर एग्जांपल इफ वी आर टेकिंग दिस एक्स इन द सेकंड क्वाड्रेंट, एक्स अगर आपने सेकंड क्वाड्रेंट में ले लिया तो क्या होगा ये अभी हम लोग सॉल्व करके बता चुके हैं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आंसर जो है इसका साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो है पाई माइनस एक्स के बराबर आता है अगर एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में, और इसमें इसको एक्स सेकेंड क्वाड्रेंट में अभी हम लोग कैसा लिखेंगे, एक्स विल बी लाइंग बिटवीन व्हाट ग्रेटर देन और इक्वल टू पाई बाय टू एंड स्मॉलर देन और इक्वल टू पाई, पाई बाय टू और पाई के बीच में, और फिर आप और आगे भी जाओगे तो भी ये 3π/2 तक ये चीज एक्सटेंड होती है। कैसे अभी हम आपको बता दे रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 120 डिग्रीज, एक तो ये सॉल्व कर लिया और दूसरा हम ये इस चीज में हम आपको मना करेंगे कि आप ये जो प्रॉपर्टीज बहुत सारी किताबों में दी रहती है उनको याद मत करना, क्योंकि आप उनको देखोगे तो आपको लगेगा अरे बाप रे इतनी सारी वैल्यूज हैं। तो अभी हम लोग ये बोलते हैं कि बहुत सिंपल सा एक तरीका है, वो तरीका अभी हम आपको सिखा दे रहे हैं, वो तरीका सीख जाओगे तो कहीं पर दिक्कत नहीं जाएगी। साइन इनवर्स ऑफ साइन, सपोज ये 120 डिग्रीज लिया था, ये 240, फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड, साइन इनवर्स ऑफ साइन 60, तो इसका आंसर तो 60 ही आता है। इसका आंसर अभी हम लोगों ने कितना निकाला था, इसका आंसर साइन इनवर्स ऑफ
180 माइनस 60 यानी साइन इनवर्स ऑफ साइन 60 यानी इसका आंसर भी 60 आया। तो आपने अगर इसको x माना, अगर आपने इसको x लिखा तो आंसर कितना है इसका 180 माइनस x, 180 माइनस x यानी 120 डिग्रीज में आंसर, 120 डिग्रीज में आंसर 180 माइनस x है, यही लिखा हुआ अभी हमने। थर्ड क्वाड्रेंट में अगर वैल्यू है तो क्या आएगा, साइन इनवर्स ऑफ साइन 180 प्लस 60, 180 प्लस 60 मतलब क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल आर पॉजिटिव, साइन इज पॉजिटिव, यहां पर साइन नेगेटिव होता है तो इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस साइन 60। और ये कितना आ जाएगा साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री बाय टू, साइन इनवर्स ऑफ माइनस रूट थ्री बाय टू यानी एंगल आपको इसके बीच में बताना माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा माइनस 60 डिग्री। तो अब हमने यही बोला है कि अगर ये वैल्यू, ये जो एंगल है ये अगर इस रेंज में लाई कर रहा है तो साइन इनवर्स साइन डायरेक्टली कैंसिल होंगे, ये लिखा होगा। फिर साइन इनवर्स ऑफ साइन अगर एक्स सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में या थर्ड क्वाड्रेंट में है, आंसर इसका पाई माइनस एक्स आएगा, 180 माइनस 120, 180 माइनस एक्स यानी 120, 60 डिग्री आ गया। फिर इधर पर 180 माइनस एक्स यानी 180 माइनस 240 मतलब माइनस 60 आ गया। तो अभी हम लोगों ने इसमें बुक्स में ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज बनाकर दी हुई हैं जो हम मना करेंगे कि आप याद मत करना, ग्राफ्स की मदद से तो और ज्यादा आसान हो जाता है। सो एक्स विल बी लाइंग बिटवीन व्हाट, पाई बाय टू टू थ्री पाई बाय टू। तो अभी हम लोग ने बताया जरूर इसलिए दिया क्योंकि कभी आप बुक से पढ़ाई करें तो आपको ये लगेगा कि अरे ये तो इतनी सारी प्रॉपर्टीज दी हैं, सर ने कुछ भी नहीं बताए, है ना। तो अभी हम लोग ये बोलेंगे कि प्रॉब्लम्स को, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता, बस ये याद रखना कि आप साइन एक्स को जो इनपुट देने वाले हैं अगर वो साइन इनवर्स के साथ कंबाइंड है, साइन एक्स को जो आप इनपुट देने वाले हो मतलब एक्स जो देने वाले हो वो अगर हमारी इन वैल्यूज में है माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में तो डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्टली कैंसिल हो जाएगा। और अगर नहीं है तो कैसे करना, ये अभी हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स की मदद से आपको क्लियर करेंगे। ठीक, अब देखो प्रॉब्लम्स। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 पाई बाय 3, इसको देखो, ये वाली वैल्यूज देखो कहां पर लाई कर रही हैं, दीज आर लाइंग इन, ये कॉस इनवर्स वाला फंक्शन था अभी रब कर दिया, ये याद रखना, लेकिन अब ऐसा लिखा थोड़ी रहेगा, ये इसी में लाई कर रहा है, अगर इसी में लाई कर रहा है तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस कैंसिल हो जाएगा। मान लीजिए आपको ये सब भी याद नहीं रहता तो आप सॉल्व करते जाओ, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 2 पाई बाय 3 यानी 120 डिग्रीज यानी माइनस हाफ, और कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ यानी एक ऐसा एंगल जिस पर कॉस की वैल्यू माइनस 1 बाय 2 आने वाली है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टेन इनवर्स ऑफ टेन पाई बाई फोर, इसमें बोलू ये वाली एंगल को देखो, ये एंगल जो है जो अभी हम लोगों ने प्रिंसिपल वैल्यूज डिफाइन की थी क्या उसमें लाई कर रहा है, तो हाँ ये पाई बाई फोर उसमें लाई कर रहा है, कोई समस्या नहीं है। तो अभी आप इसको डायरेक्टली पाई बाई फोर लिख सकते हैं। तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन
एक दूसरे का इफेक्ट डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे अगर ये एंगल जो है इन प्रिंसिपल वैल्यूज में लाई कर रहा है। मेन चीज ये है, और अगर नहीं है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप उनको इन एंगल्स के अंदर ले आइए, और कैसे लाना है ये अभी हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेते जा रहे हैं। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 7π/6। देखो अभी क्वेश्चन, अब ये 7π/6 कहां पर लाई कर रहा है? सेवन पाई बाई सिक्स दिस इज लाइंग इन व्हाट द फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे पता चल रहा है? कॉस इनवर्स ऑफ कॉस टू कुछ ऐसा है 2 पॉइंट, ऐसे कुछ आएगा 2 पॉइंट कुछ वैल्यूज आने वाली है ना। तो अब हम लोग इसको कैसा लिखेंगे? हमें कॉस का जो आंसर चाहिए वो 0 से π के बीच में चाहिए। द आंसर रिक्वायर्ड इज इन ये 2π कहां, 6 1 6, तो ये 1 पॉइंट कुछ है। कॉस इनवर्स ऑफ कॉस ये 7π/6 किस क्वाड्रेंट में है? तो इसको ऐसा लिख लो 7 × 30 degrees, यानी ये 210 degrees। अब 210 किस में आएगा? 210 जो है थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। हाँ रचित बेटा, देख लिया, आई सीन माय मिस्टेक, हमने ठीक कर दिया उसको। थर्ड वाले में, थर्ड क्वाड्रेंट में अब हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे? दिस इज 210 degrees, और इसको कॉस (360 − 150) ऐसे कुछ लिख सकते हैं। अब कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 150, कॉस 150 देखो कहां पर लाई कर रहा है। कॉस 150 इज लाइंग बिटवीन 0 and 180, सो द आंसर दिस टू दिस विल बी व्हाट, 150 degrees। क्लियर है? नेक्स्ट स्टेप इसके बाद, टेन इनवर्स ऑफ 10 3π/4। इसमें देखो ये वाली वैल्यूज जो हैं, टेन इनवर्स वाली ये वैल्यूज, ये किस किस के बीच में अभी हम लोग चाहिए? -90 से +90, लेकिन ये वाली वैल्यू 135 है। अब क्या करेंगे इसमें? इसको अभी हम लोग टेन इनवर्स ऑफ 10 ऐसा कुछ लिख सकते हैं। देखो ये कितना आ जाएगा, 4π - π, मतलब 3π/4, और टेन 180 - थीटा, टेन 180 - थीटा यानी सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में टेन कैसा होता है? कैसा होता है बेटा बताओ? नेगेटिव होता है, यानी कि ये टेन इनवर्स ऑफ -1, टेन इनवर्स ऑफ -1 यानी -45 यानी -π/4 ऐसा कुछ आएगा। अब देखो
तो कुल मिलाकर आपको क्या करना है, इन एंगल्स को जो भी एंगल्स दिए हैं, साइन के लिए माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में लाना है, कॉस के लिए जीरो और पाई के बीच में लाना है, टेन का जो एंगल है वो माइनस 90 से प्लस 90 के बीच में लाना है। ठीक, अब इसमें देखो साइन इनवर्स ऑफ क्वेश्चन को देखकर बिल्कुल मत डरना। जैसे मान लीजिए आपको अगर दिक्कत जाती है तो आप क्या करो, साइन माइनस 600 अलग से लिख लो, ऐसा सॉल्व कर लेना, तो ये माइनस साइन 600 आ जाएगा। अब माइनस साइन 600 को सॉल्व कर सकते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे, ये देखो ये जीरो है, ये 180 है, ये 360 है, ये 540, मतलब ये जीरो एक फुल रोटेशन में 360, जीरो से इधर तक 180, 180 इंटू टू 360, 180 इंटू थ्री 540। इसको अभी हम लोग क्या लिख सकते हैं, 540 जो है लगभग इसके पास आ गया, माइनस साइन 540 प्लस 60, 540 अगर यहां पर है तो 540 प्लस थीटा, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में ऑल साइन पॉजिटिव 10, यहां पर 10 पॉजिटिव होता है, तो अब हम लोग क्या बोलेंगे, यहां पर ये माइनस साइन लगा है और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन जो है नेगेटिव है, तो एक माइनस साइन ही आ जाएगा, माइनस साइन 60, तो माइनस और माइनस मिलके प्लस, मतलब ये साइन 60, और साइन 60 यानी रूट 3/2। ये देखो आपको वहां पर रुक जाना है जहां पर ये एंगल कहां पर आ जाए, इन द प्रिंसिपल वैल्यूज। तो अब हम लोग इसको क्या लिख रहे हैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन 60 डिग्रीज, यानी कि इसको अभी आप 60 डिग्रीज डायरेक्टली लिख सकते हैं, यानी पाई बाय 3 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 680, नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉस इनवर्स ऑफ कॉस माइनस 680। देखो अब इसको, इसको क्या कर सकते हैं, फिर से कॉस माइनस 680 को आप सिंप्लीफाई कर लो, कॉस का जो माइनस साइन है वो बाहर नहीं जाता, मतलब ये कॉस 680 ही आएगा, कॉस 680 अगर आपको निकालना है तो ये देखो 0, 180, 360, 540, 720। जिन लोगों को, मान लीजिए फॉर सम reasons यू आर नॉट नोइंग हाउ टू कैलकुलेट, हम सारी चीजें इतनी बार रिपीट कर रहे हैं, आप बस दिमाग में एक मेंटल बैरियर मत बनाना कि अभी हमने पढ़ा नहीं, क्योंकि हम इतनी सारी चीजें इतनी बार बताएंगे कि मान लीजिए आपने 11th में अगर नहीं भी पढ़ा है या याद नहीं है तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। अब जैसे जीरो है, ये जीरो से यहां तक आए 180, 180 से यहां तक आए 360, 360 से यहां तक आए 540, 540 से यहां तक आए 720। कहां तक जाना है, जब तक आप इसके पास नहीं आ जाए। अब 720 जो है इसके आसपास में वैल्यू है, अब ये इसको कैसा लिख सकते हैं, 720 माइनस 40, इसमें शायद कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब 720 माइनस थीटा, 720 से छोटी वैल्यूज, 720 से छोटी वैल्यूज कहां पर आएंगी, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगी। फोर्थ में कॉस कैसा होता है,
ऑल साइन टेन एंड कॉस, कॉस पॉजिटिव होता है तो कॉस 40 आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आ जाएगा, कॉस इनवर्स कॉस माइनस 680 आपने सॉल्व करके इसमें रखा तो कॉस इनवर्स कॉस 40, ये कॉस इनवर्स और कॉस अलग हो गया, आंसर विल बी 40 डिग्रीज। तो आप किसी भी प्रॉब्लम को देखकर डरना नहीं, हमने बहुत सारे प्रॉब्लम्स करा दी, बहुत सारी वैरायटी करा दी। अब इसमें साइन इनवर्स इसको देखो, इसमें क्या कह सकते हैं, ये वाली वैल्यू कैसी है, 8 2 16 टू कुछ है, तो अभी हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, साइन 2 पॉइंट को चाहना है तो अब कैसे लिखते हैं इसको, 2 पाई तो लिखा, डिनोमिनेटर में 8 चाहिए तो 8 तो लिखेंगे, देख लो जरा अच्छे समझो, ये 17 को अगर 8 से डिवाइड करें तो 2 पॉइंट को चाहने वाला है तो 2 पाई तो लिख लिया, प्लस कुछ वैल्यू आनी है, कितनी आनी है पता नहीं, डिनोमिनेटर में 8 लिखा हुआ है। अब देखो 8 इंटू 2 पाई कितना आ जाएगा बेटा, 8 इंटू 2 पाई विल बी 16 पाई और 17 पाई बनाना, तो ये पाई बाई 8। अब फिर से इसके बारे में सोचो, ये कौन से क्वाड्रेंट में है, ये 0 है और यही वाला 2 पाई भी है, तो 2 पाई प्लस कुछ वैल्यू मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता तो साइन इनवर्स ऑफ साइन पाई बाई 8 आएगा, और साइन इनवर्स ऑफ साइन ये अब अलग हो सकता है, कहने का मतलब ये है कि आपको किसी भी टाइप का प्रॉब्लम दिया हुआ है, आपको बस उसको किस में चेंज करना है, उसको जो प्रिंसिपल वैल्यूज वाले जो ब्रांच है उसमें इसको लेकर आना है, ठीक है। अब एक और देख लूं, फाइनली साइन इनवर्स ऑफ साइन 13 पाई बाई 7। अब इसमें अगर आप देखें तो ये वाली जो वैल्यूज आ रही हैं, ये 13 पाई बाई 7, ये 13 पाई बाई 7 जो है ये 2 पाई से थोड़ा सा कम है, 2 पाई से थोड़ा सा कम क्यों है, क्योंकि 7 टू 14 होता है और ये 13 पाई है, तो हम लोग इसको कैसा लिखेंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2 पाई माइनस कुछ वैल्यू डिवाइडेड बाय 7 और ये साइन इनवर्स कितना आ जाएगा बेटा, सिंप्लीफाई करने पर 7 टू 14, 14 माइनस 1 और साइन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस सिर्फ पॉजिटिव होता है बाकी सारे नेगेटिव, तो माइनस साइन पाई बाई 7। और इसमें क्या करेंगे, साइन इनवर्स ऑफ साइन माइनस पाई बाई 7 को अंदर ले लो, साइन इनवर्स साइन अब कैंसिल हो जाएगा, माइनस पाई बाई 7 इज द आंसर। ठीक है, that's all for today, we will continue with the same topic on the next one.